अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मतीवल हसन और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी खैर ऑफिस से होंगे। सर्दी बहुत है इसलिए मैं यहीं से जो है ना वीडियो बनानी पड़ रही है। आज की वीडियो मेरी, जैसा कि आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा, बड़े आज ये कल और एक दो दिन में ना बहुत से लोग परेशान हुए, मैं भी बड़ा परेशान हुआ था कि यार ये व्हाट्सएप क्या करने जा रहा है। हम सब जो हैं कोई भी ऐप जब डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, सिंपल हम क्या करते हैं, फ़ौरन उसको एग्री एग्री और देन ओके। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, बट मैंने इसको थोड़ा सा रीड आउट किया। इतना लंबा एग्रीमेंट तो कौन पढ़ता है, पता होता है एंड पे जाके आपने उसको यस ही करना है। चाहते हुए ना चाहते हुए आपको यस करना ही पड़ता है, वो उनकी कंडीशन कुछ इस तरह की होती हैं। आप लोगों को इसके बारे में परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और होने की ज़रूरत भी है। जिनको प्राइवेसी कंसर्न बहुत ज़्यादा है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरत है कि वो परेशान हो और व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दें और फिर बैठ जाएँ आराम से, या कोई और ऐप देख लें। बट कोई भी ऐप देखेंगे ना, उसके लिए आपको एग्रीमेंट तो ओके करना ही पड़ेगा। बजाय इसके कि आप इसके बारे में परेशान हो, अच्छा ये अपडेट है क्या? ये अपडेट ये थी कि 8 फेब तक, जो मैंने जहाँ तक रीड आउट किया उसमें ये था कि 8 फरवरी तक 2021 में आप इसको जो है अगर नहीं यस करते तो ये ऑटोमेटिकली जो आपके मोबाइल से इसको ख़त्म कर देगी, व्हाट्सएप को जो है आपका अनइंस्टॉल कर देगी। सॉरी, मुझे मेरा फोकस कुछ इस पर भी है कि मेरी इधर से ना आ जाए। अपडेट ये थी कि इसमें मज़ीद कुछ क्लॉजेस ऐड कर दी गई हैं आपकी इस एग्रीमेंट में, कि आप किन किन चीज़ों की इजाज़त दे सकते हैं। जैसा कि अब होता क्या था, हम जब यस करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को, हम उनको परमिशन दे रहे होते हैं कि आप मेरे मोबाइल का डाटा, मेरे माइक्रोफोन, मेरा वीडियो और मेरे जो है इंटरेस्ट के बारे में आप इंफॉर्मेशन मेरी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है। अब वो क्या है कि क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप तीनों एक ही अब इंटरलिंक है, तो अब इनका ये है कि हमारे ये टेस्ट, हमारे इंटरेस्ट को यहाँ से पिक करेंगे और पिक करके फेसबुक पे डिफरेंट एड्स। अच्छा होता क्या हमारे साथ, हम देखते हैं कि यार अभी हम बात कर रहे हैं किसी दोस्त के साथ, मोबाइल हमारा साइड पे पड़ा होता है, तो नेक्स्ट हमें अपना फेसबुक यूज़ करते हुए, सोशल मीडिया यूज़ करते हुए, उसी से रिलेटेड जो है ना, जिस चीज़ की हम बात कर रहे होते हैं उसी से रिलेटेड कोई ना कोई ऐड नज़र आता है। हम बड़े खुश होते हैं, यार अभी हम कल इस पर बात कर रहे थे, आज हमें चीज़ मिल गई। वो बेसिकली आपकी इन्फॉर्मेशन इसी तरह से कैप्चर की जा रही होती हैं, देन वो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज वगैरह तक पहुँचाई जाती हैं। तो सिर्फ इस पर्पज़ के लिए होता है डाटा ना आपका जो कैप्चर किया जाता है। इसकी दो रीज़न होती हैं, एक तो आपको एडवर्टाइजमेंट के पर्पज़ के लिए, एंड सेकंड पर्पज़ जो होता है वो होता है कि अपना क्वालिटी एश्योरेंस को जो है और बेहतर करने के लिए, क्वालिटी को अपने आपकी ऐप्स की। तो वो इसलिए वजह से आपका डाटा जो कैप्चर किया जाता है। तो बट ये है कि जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जा रही है, जब आपको जब कुछ चीज़ फ्री की मिले, कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा ना। अब आप अपनी प्राइवेसी जो है वो थोड़ी सी इसके बारे में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जो कंसर्न रखते हैं अपनी प्राइवेसी से कंप्रोमाइज़ ना होने का, वो डिलीट कर सकते हैं और किसी और प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं, बट वहाँ पर भी उनको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। इतनी सी अपडेट थी, मैंने सोचा आप सबसे शेयर कर दूँ। साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना सर्दी में ये आग का मैसर हो जाना, ये भी किसी नेमत से कम नहीं है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको शेयर कीजिएगा। जो जो लोग परेशान हैं उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा कि इसमें परेशानी की बात नहीं भी और है भी है, और किन के लिए है वो भी बता दिए, जिनके लिए नहीं है वो भी बता दिए। मैं तो इसको यस कर चुका हूँ और मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी नीड है, और अल्हम्दुलिल्लाह क्या प्राइवेसी अपनी जितनी है बस ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।